हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। अगर आपको भी MI स्टोर में प्रॉब्लम आ रही है, आपने कोई ऑर्डर किया था और आप अभी उस ऑर्डर को रिफ़ंड कर वापस करवा दिया और रिफ़ंड पाना चाहते हो और आपको रिफ़ंड नहीं मिल रहा है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए आज की वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल जीरो टू इन्फिनिटी को सब्सक्राइब करें ऐसी नई नई इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। सबसे पहले हमें क्या करना है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना और यहाँ पे सर्च करना है गेट रिफंड MI स्टोर। यहाँ पे इन्होंने बताया अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, कस्टमर केयर का नंबर दिया है, पर मैं आपको अलग मेथड बताऊँगा। तो यहाँ पे एक चैट नाउ का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ ऊपर कस्टमर केयर का, तो हमें चैट नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप वैसे कॉल करके भी उनको अपनी प्रॉब्लम बता दोगे, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं हमें सीधा इनके एजेंट को, क्या करना है यहाँ पर हमें बताना है प्रॉब्लम किस में आ रही है, तो हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है वो लिखना है। हमें रिफ़ंड में प्रॉब्लम आ रही है तो हम यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं रिफ़ंड। तो यहाँ पे मैं अभी टाइप करता हूँ, सेम स्टेप आपको भी फॉलो करना है रिफ़ंड। तो रिफ़ंड टाइप करने के बाद यहाँ पे मैसेज चला गया। इसके बाद उन्होंने बताया कि कभी कभी 5-7 दिन लग जाते हैं या 10 दिन भी लग जाते हैं आपको रिफ़ंड आने में। 10 दिन तो मिनिमम वेट कर लीजिएगा, उसके बाद आपको ट्राई करना है। बोलते आप एजेंट से कनेक्ट करना चाहते हो डायरेक्ट, वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। तो हमें हाँ एजेंट से बात करना चाहते हैं, तो चैट विद एन एजेंट इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा एक नया पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पे, तो देखते हैं क्या होता है। तो पूछ रहे किस कैटेगरी में आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपने क्या वापस करवाया था जिसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो हम यहाँ पर स्मार्टफोन पर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो स्मार्टफोन सेलेक्ट करने के बाद हमें आपको जिसमें प्रॉब्लम आ रही है आपने वो सेलेक्ट करना है, ठीक है। वो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी ID से लॉगिन करना पड़ेगा MI अकाउंट की, और आपकी जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है वो हो जाएगा आपके जो कस्टमर केयर है, और वो आपकी सारी हिस्ट्री देख लेंगे कि आपने क्या ऑर्डर रिप्लेस किया था, और वो आपकी तुरंत हेल्प कर देंगे। तो फ़िलहाल मैंने अपनी ID लॉगिन नहीं की है क्योंकि मैंने कोई ऑर्डर नहीं किया, तो आप इस तरीके से आप कर सकते हो। तो होप करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।